हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो और वो चलते चलते अपने आप से बंद हो जाती है, या फिर जैसे आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर आप अपना फेसबुक चला रहे हो और वो चलते चलते अपने आप से बंद हो जाता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको ना तो दुकान पर जाना पड़ेगा, ना आपको फ़ोन को रिस्टोर करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम कॉमन है, इसको आपको ठीक करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए केपीआर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और ऐसी वीडियोस डेली देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे भी आपकी सेटिंग हो आप उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा नीचे की साइड, और नीचे की साइड जाके आपको इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपके फ़ोन अदर कंपनी का होगा तो आपको मतलब आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा कि आपके फ़ोन में वो कहाँ पर है। तो चलिए मैं जैसे इसको ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद में अब जैसे जो भी एप्लीकेशन आपकी मतलब चलते चलते क्लोज हो रही है, उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। अब जैसे मैं चलता हूँ यूट्यूब पे, तो चले जैसे यूट्यूब मेरा नीचे है तो मैंने उस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इसको सीधे आप देख सकते हो कि स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। जैसे आपके फ़ोन में कहीं और होगा तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारा कुछ दिखा रखता है कि ऐप की साइज़ कितनी है, 175 MB की, और डाटा यूज़र मेरा 184 MB का है, और केच फाइल है वो मेरी 90 MB की है, वो 90 KB की है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से नीचे जो आपका क्लियर डाटा पे क्लिक जो ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका सारा डाटा उस एप्लीकेशन का मतलब क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद में वो फ़ोन वो एप्लीकेशन मतलब फिर से एक तरह से न्यू हो जाएगी, जैसे आपने अभी इंस्टॉल की हो, तो फिर से वो अपने आप से आपकी मतलब चलते चलते मतलब फोर स्टॉप जो कि होता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, अब वो नहीं होगी। तो जैसे आपको ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो मैं इसको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये मेरा डाटा मतलब इसमें थोड़ा मेरा मतलब ऐसे ही है काम का, तो मैं अभी जैसे क्लियर कर दूंगा तो वो सब मेरा हट जाएगा, मतलब जो मैंने डाउनलोड कर रखी है वीडियोज़ वगैरह। तो जैसे अब मैं इसमें आप YouTube गेमिंग का एक एप्लीकेशन है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके फ़ोन में जो भी अटकती हो उसी में ट्राई करिएगा, उसके अलावा कोई नहीं करिएगा। अब जैसे यहाँ पे नीचे भी आप देखो क्लियर डाटा का सीधा भी ऑप्शन आता है मेरे फ़ोन में, जैसे यहाँ पे है ऐसे इसमें स्टोरेज में भी वही ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे नीचे आपको क्लियर डाटा दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करने के बाद में क्लियर ऑल डाटा पे आप क्लिक कर लीजिएगा। और ये मतलब आपका थोड़ा ही डाटा तो जा रहा है, आपको यह दुकान पर जाना पड़ता है, दुकान पर जाने के बाद आपका सारा डाटा वो उड़ा देगा, कोई एप्लीकेशन नहीं छोड़ेगा, आपका फ़ोन को पूरा रिस्टोर कर देगा, या फिर आप खुद से भी रिस्टोर करोगे जैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो उन सब चीज़ों से सिर्फ अच्छा है ना कि मतलब आप पर्सनली एक एप्लीकेशन को यहाँ पे वो कर लो, एक तरह से उसको रिस्टोर कर लो एक तरह से एप्लीकेशन को ही। ठीक है, तो उससे क्या है एप्लीकेशन आपकी नई हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब जैसे मैं फेसबुक का यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं फेसबुक का मैं मतलब शुरू में बताया था आपको, तो जैसे मेरे फेसबुक आप यहाँ पे देखोगे कि वो कई मतलब MB का है, जबकि मतलब उसकी एक्चुअल साइज़ बहुत कम होती है, पर वो साइज़ इसकी बढ़ के मतलब जो ये केज डाटा हो के या फिर इन सब डाटा का मिला के कई सारी MB का हो जाता है। अब जैसे मैंने फेसबुक यहाँ पे दिख गया मेरा, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे स्टोरेज का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मेरा 570 MB का है, जबकि एप्लीकेशन की साइज़ आप देखोगे 57 MB की ही है बस। अब यहाँ पे डाटा मेरा यूज हो रहा है 299 मतलब 300 MB का, और जो क्लियर केज की फाइल है इनको यहाँ पे आप देखोगे 214 MB की। तो इसमें आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे होता ही है सीधे नीचे ऑप्शन, फिर यहाँ पे क्लियर केज मतलब उनका जब आपका MB भी मतलब ये स्टोरेज भी खत्म रहता है फालतू में, क्लियर और ये केज फाइल कुछ भी नहीं होती, बस ये आपके स्पेस को घेरती है फ़ोन के। तो इसको आप यहाँ यदि आपको मतलब प्रॉब्लम कर रही हो या स्पेस ज़्यादा गिर रही हो तो ये आपको पर्सनली एक एक एप्लीकेशन में आप जाके ठीक कर सकते हो, यदि आपका फ़ोन इसका स्पेस ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है तो फालतू में, तो इससे फ़ायदा ही होगा आपका स्पेस भी मतलब कम हो जाएगा। और यहाँ से आपको कोई मतलब एप्लीकेशन का मतलब डाटा डिलीट नहीं हुआ, मैं आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जैसे ओपन करोगे आपकी रिटर्न, तो उसमें से कुछ भी नहीं हटेगा, ना उसमें लॉगिन मांगेगा कुछ भी नहीं, ये केज की फाइल फालतू ही होती है, मतलब जो एप्लीकेशन चलाते हैं वो नेट से कुछ कुछ डाटा मतलब कवर करता रहता है तो वो फालतू का इकट्ठा हो जाता है। तो यही सब मैं बताने वाला था आपको, सारा कुछ समझ आ ही गया होगा। और फोर स्टॉप की जो बीमारी होती है मतलब प्रॉब्लम रहती है यही होती है कि आपकी एप्लीकेशन चलते चलते अपने आप से बंद हो जाती है, तो आपसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको दुकान पर जाना पड़ेगा, ना आपको मतलब किसी से मतलब हेल्प लेने की ज़रूरत कि भाई मेरे में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो इसको आप खुद से भी आराम से ठीक कर सकते हो, ना आपको फ़ोन रिस्टोर करना पड़ेगा, जिससे आपका पूरा डाटा फ़ोन का भी कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, बस एप्लीकेशन का डाटा क्लियर होगा। तो वो एप्लीकेशन आपके लिए देख लेना, जब उसमें आपको लगेगा उसका डाटा ज़्यादा पर्सनल है तो आपको उसको मत करिएगा, या फिर है पर्सनल तो उसको डाटा को पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो सारा कुछ मैं बता ही दिया हूँ, वीडियो आपको समझ ही आ गई होगी, यदि कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर करना फेसबुक और व्हाट्सएप पे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक। और जाते जाते मेरी लास्ट में आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगी, आप उनको भी देख सकते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी।